हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम ये स्वीट बन से बहुत बढ़िया स्नैक बनाएंगे। ये स्वीट बन है, मिल्क बन्स है, टूटी फ्रूटी वाले। ये मीठे होते हैं खाने में, और क्योंकि इसमें दूध, मिल्क पाउडर, चीनी और टूटी फ्रूटी काफ़ी क्वांटिटी में होता है, इसलिए ये स्वीट बन्स कहलाते हैं। ये नॉर्मल बर्गर वाले बन्स नहीं हैं, ये चाय के साथ खाने वाले स्वीट बन्स हैं, जो थोड़े साइज़ में बड़े भी होते हैं और बहुत सॉफ्ट और बहुत मीठे मीठे से होते हैं। तो आज हम इसका स्नैक बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ हम चटपटा स्नैक कैसे बनाएंगे, तो बहुत बढ़िया हम चटपटा स्नैक इससे बनाएंगे। देखिए, मैंने ये आलू उबाल के रखे हैं, इनको हम सबसे पहले मैश कर लेंगे अच्छे से। ये मीडियम साइज़ के मेरे 5 आलू हैं, मीडियम से भी थोड़े छोटे ही हैं, इनको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आलू अच्छे से मैश कर लिए हैं। ये मैंने शिमला मिर्च है, जिसको मैंने बहुत छोटा तो नहीं काटा है, लेकिन छोटा ही काटा है। ये प्याज भी है, एक प्याज है मीडियम साइज़ की, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया, लेकिन बहुत बारीक नहीं काटा है। एक गाजर है जो मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो ये हाफ कप प्याज है और हाफ कप शिमला मिर्च है और हाफ कप कद्दूकस करी हुई गाजर है और 4-5 ही आलू हैं। अब मैं इसको पका के इसका मसाला बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई में तेल थोड़ा सा गरम किया है। ये 1 टेबलस्पून ऑयल है, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं ये कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ और इसको हमें हल्का सा बस ट्रांसपेरेंट करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउन वगैरह नहीं करना है। तो इसको हम फुल फ्लेम पर, मैंने इसको अभी रखा हुआ है, और जैसे जैसे तेल गरम हो रहा है प्याज सिकने लगी है और इसको मैं ट्रांसपेरेंट सेक लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई है प्याज, बढ़िया सी। अब मैं इसमें कैप्सिकम डाल देती हूँ, शिमला मिर्च, जिसको मैंने बहुत बारीक तो नहीं काटा था, लेकिन आप देख सकते हैं छोटे ही टुकड़ों में काटा है, जिस साइज़ में मेरी प्याज कटी हुई है ये उसी साइज़ में मैंने इसको शिमला मिर्च को काटा है। अब इसको भी मैं, अभी फुल फ्लेम है, इसको भी मैं बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं पकाऊंगी कि ब्राउन कर लें हम शिमला मिर्च को, बस जैसी थोड़ी सी टेंडर होगी। और हम इसमें अभी ये कद्दूकस करी हुई कैरेट डालते हैं। देखिए ये हल्की सी, देखिए सिकने लगी है हल्की सी, और देखिए इसमें मैं ये कैरेट डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम आपको इसमें नहीं लगेगा, इसको हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी टेंडर हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं इसको भी मिला पका। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो मैश किए हुए आलू हैं, अब मैं इनको इसमें डाल देती हूँ। फ्लेम को मैंने अभी धीमा कर दिया है, सिम कर दिया है, और मैं इसको आलूओं को इसमें डाल दूँगी। सारे आलू हम इसमें इस तरह से ऐड कर, और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा मसाला डालूंगी, 2-3 मसाले डालूंगी, बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सूखा धनिया पिसा हुआ, और थोड़ा सा, बिल्कुल देखिए बहुत थोड़ा सा भुना जीरा। बहुत हमें ज़्यादा इसमें तेज मसाले नहीं डालने हैं, क्यों वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें सौंफ, पिसी हुई, भून कर सब पीसे हुए मसाले हैं, जीरा भी भून कर पीसा है, धनिया भी गरम करके पीसा है, और भुना जीरा भी और सौंफ भी, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर, और अब थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे फिर नमक। नमक हम टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, जितना ये मसाला है उतना। और अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से धीमी आंच पर ही मिलाते हुए एक साथ कर लेंगे। पूरी चीज़ें हमारी एक साथ मिल जानी चाहिए, सारा जितना मैंने इसमें मसाला डाला है वो भी हमारा एक साथ इसमें मिल जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक साथ कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से ऐसे मैं फ्लैट करते हुए कलछी को, बिल्कुल इसको सेकना बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, कोई इसको ज़्यादा ऐसे आपको नहीं करना है, बस ये एक सार कर लेना है इस तरह से।
और ये देखिए बन गया है मसाला। मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च और हरी मिर्च नहीं डाली है, आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से इसमें मिर्च डालिएगा, लेकिन बहुत इसमें मिर्च अभी नहीं डालिएगा, वजह आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है तकरीबन आधा कप, और इसको मैं अच्छे से इसमें मिला लूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है बिल्कुल, और हरे धनिए की इसमें खुशबू बनी रहेगी। अब मैं इस मसाले को ठंडा कर लूँगी, बिल्कुल ठंडा मतलब फ्रिज में नहीं रखना है इसको, हमें रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि हम इसे हाथ ही नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैं अभी इसको यूज़ नहीं करूँगी और इसको मैं बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने का इंतज़ार करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये आलू ठंडा हो गया है, मैंने एक बोल में कर लिया है। अब हम इसको असेंबल करेंगे, तो ये जो बर्गर है ना, इसको मैं बीच में से हाफ काट लूँगी, बहुत इजीली कट जाता है, और मैं इसको बीच में से बिल्कुल हाफ कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया, तो ये हमने बर्गर को हमने हाफ कर लिया है। अब हम इसमें अपना इसको असेंबल करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा टमाटो सॉस, या आप हॉट एंड स्वीट की मैगी की भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं, और आप किसान की भी यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी आप लगाइए ऐसे दोनों में, नीचे वाले पार्ट में, जो नीचे वाला पार्ट है, आप ऊपर भी लगाना चाहते हैं ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी नीचे वाले पार्ट में इसको लगा रही हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अपना ये वाला मसाला, देखिए इस तरह से करके, ऐसे इसका गोल करके, और इस तरह से इसको मैं इस पे यहाँ रख दूँगी, इस तरह से, और ऐसे ही मैं इस बन में भी इसको रख दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी ये आधा मसाला बचा हुआ है, इसको मैंने रख लिया है, इसको मैं अभी और बर्गर बनाने होंगे तो मैं यूज़ कर लूँगी। ये है देखिए दाबेली मसाला, इसको हम, ये इतना चटपटा और तेज़ मसाला होता है, ये देखिए इसमें सारे तो गरम मसाले में जो चीज़ें पड़ती हैं वो हैं ड्राई अनियन पाउडर है, मैंने आपको धूप में अनियन कैसे सुखाते हैं मैंने मेरे पिछले लिंक में आप जाकर देख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ड्राई गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला हुआ है, और इसमें सूखा अनारदाना डाला हुआ है, लाल मिर्च है, और बाकी सब गरम मसाले का इसमें सामान है, तो इस तरह से बहुत ही तेज़ है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैंने मिर्च इसमें नहीं डाली है अपने मसाले में, क्योंकि इस मसाले में बहुत ज़्यादा मिर्च है, बहुत ज़्यादा चटपटा और तेज है, तो एक एक टीस्पून मैंने इसमें ये मसाला डाल दिया है। नमक देखिए मैंने इसलिए बोला था आप हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा नमक मत करिएगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा इसमें भी नमक मसाले में होता है, तो इस तरह से एक एक टीस्पून मैंने इसमें ये मसाला डाल दिया है जो इस पे आलू पे अब हमारे लग गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा अपना क्योंकि देखिए अमचूर भी डाला है तो टैंगी है, इसमें अनारदाना है मसाले में वो भी थोड़ा टैंगी है, थोड़ा सा मैं इसमें मैंगो का पिकल इसमें बर्गर में यहाँ लगा रही हूँ, मीठा वाला स्वीट, बर्गर भी स्वीट है, इसको थोड़ा सा और स्वीट इसको वो देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मीठा अचार जो मेरी सिस्टर ने बना कर दिया है, बहुत ही अच्छा बनाती है मेरी सिस्टर ये पिकल, तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है, और अब आप इसमें चाहें तो इसमें इमली की चटनी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। अब मैं इस पे डाल रही हूँ थोड़ा सा, देखिए ये है शेजवान सॉस है, तो थोड़ी सी डालिएगा क्योंकि इसमें मसाले में भी बहुत मिर्च है, तो शेजवान चटनी या शेजवान सॉस आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी मेयोनीज़, बस बहुत थोड़ा सा डालिएगा मेयोनीज़ भी, क्योंकि मेयोनीज़ में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है, ये देखिए थोड़ा सा गिर गया है मेयोनीज़ इसमें, लेकिन ये आप ऐसे इसमें डाल सकते हैं मेयोनीज़, ये अभी मेल्ट भी हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे, खाली दो दो पीस प्याज के मैं इसमें डाल रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, और आप पतली प्याज ही काट के इसमें रखें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप इस मोटी प्याज भी काटते हैं तो इसमें भी कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन आप पतली काटेंगे तो ठीक रहेगा। इसमें मैं रख रही हूँ टमाटर,
अभी मैं टमाटर खाली एक एक ही रख रही हूँ क्योंकि मैं इसके साथ बाहर टमाटर और प्याज सर्व कर देती हूँ। अब हम इसमें रख रहे हैं चीज़ के स्लाइसेस। ये देखिए चीज़ है, इसको मैंने इस तरह से रख दिया है, असेंबल कर दूँगी इसके ऊपर में इस तरह से चीज़ को। ये देखिए इस तरह से। और अगर आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए तो आप चीज़ और भी लगा सकते हैं। मैं अभी और चीज़ नहीं लगा रही हूँ, तो मैं इसमें बस इतना ही चीज़ लगा रही हूँ और इस वाले बन के हिस्से को मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी और हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर इसको भी मैं इस तरह से ऊपर इसके रख दूँगी और हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी। बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा प्रेस करूँगी। और अब मैं इसको थोड़ा सा सेक लूँ। देखिए फ्रेंड्स, पैन में मैंने ये ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और पैन अभी फुल फ्लेम पर है, लेकिन इसको मैं अभी बिल्कुल धीमा कर दूंगी और इसके ऊपर मैं ये बन अपना इस तरह से असेंबल कर दूंगी। आप चाहे तो बटर में भी इसको सेक सकते हैं, लेकिन मैं बटर में इसलिए नहीं सेक रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, तो मैं इसमें ऑयल में ही इसको धीमी आँच पर इसको मैं सेक लूँगी। मैंने फ्लेम सिम कर दी है और इसको हम धीमा धीमा एक मिनट के लिए, डेढ़ मिनट के लिए एक तरफ से सेकेंगे और एक डेढ़ मिनट के लिए दूसरी तरफ से सेकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको एक मिनट हो गया है। अब मैं इसको देख रही हूँ खोल के, ये एक साइड से सिक गया है और अब मैं इसको देखिए, इसको मैं इसको बहुत धीरे से हम इसको पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने वो पलट लिया है, अब मैं इसको भी ऐसे पलट कर दूसरे साइड से भी करारा करारा सेक लूँगी इस तरह। और अब मैं इसको फिर से ढक देती हूँ और इसको मैं तकरीबन आधा मिनट के लिए, आधा और एक मिनट के बीच में मैं इसको निकालूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको आधा मिनट हो गया है और अब मैं इसको निकाल लूँगी और मैं प्लेट में सर्व करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बर्गर प्लेट में रख दिए हैं और ये मैं इसमें अब प्याज, टमाटर और खीरा मैं इसमें साथ में खाने के लिए लगा रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है साथ में खाने में। और आप इस तरह से इसको आप सर्व कर सकते हैं। और आपको अगर ज़रूरत लगती है तो आप इसके ऊपर से इमली की चटनी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है क्योंकि, और आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च जिससे मैंने आलू का मसाला बनाया है आप डाल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये मेरे बर्गर बहुत अच्छे लगेंगे। ये दाबेली और बर्गर स्वीट एंड सार हैं, टैंगी हैं और बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और आप एक बार बनाकर अपने गेस्ट को खिलाएंगे तो हर बार वो डिमांड करेंगे। किटी पार्टी हो, कॉकटेल पार्टी हो, सब में ये एक हैवी स्नैक में आपके काम आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे अनूठी चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए और मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको मैं अपनी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और आप उम्मीद कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी भी एंजॉय कर रहे होंगे। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं और आप मैसेज भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर एस्ट्रोलॉजी में दिया रहता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अनूठी में विजिट करने के लिए थैंक्स अ लॉट।